हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो आज मैं इस वाली साइड जो छोटी बालकनी है इसमें से ये जो कोलियस है सारे हटाने वाली हूँ पॉट्स में से, क्योंकि मुझे पॉट्स की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि नए पॉट्स लाने की बजाय, जिसमें काफ़ी मल्टीपल मैंने जो प्लांट्स लगाए हुए हैं जैसे कोलियस, वो एक ही जैसे प्लांट्स एक ही तरह की वैरायटी मैंने काफ़ी सारे पॉट्स में लगाई हुई है, तो वही निकाल के मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगी और इनमें जो नए प्लांट्स लेकर आई हूँ वो मैं लगा दूंगी। ये जो छोटे ये वाला जो सिंगल वैरायटी है ये रहने दूंगी, ये भी अलग वैरायटी है ये भी रहने दूंगी। तो ये वाला जो है और यहाँ पे ये दो पॉट्स हैं इनको मैं खाली करने वाली हूँ। वैसे तीन ही हैं तो मैं इनको खाली इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि जो मेन प्लांट थे यही थे मदर प्लांट, और मेरे पास और कुछ था नहीं तब कोलियस, तो अभी काफ़ी हो गए हैं। तो मैंने सोचा है कि चलो इसी को खाली करते हैं और इनका रीयूज़ करते हैं। और इसमें एक मैं मलेरिया कैक्टस है शायद ये तो लगा हुआ है, और ये इसके छोटे छोटे से फूल भी आए हुए हैं। ये जो होते हैं इनके सीड्स होते हैं, तो मुझे ये नहीं पता था, एक शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा था वो इस तरह से इनको निकाल के जो है इनके सीड्स निकाल रहे थे। तो मैं ये देख रही हूँ, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो भी बनाने का सोच रही थी लेकिन जो इनकी जो बारी है या इनकी टर्न आ ही नहीं रही थी, तो आज फिर मैं इसी तरह से निकाल के रख लेती हूँ। ये सीड्स इस तरह के इसके सीड्स होते हैं, काफ़ी देखने में खूबसूरत लगते हैं। एक्चुअली में शायद इनके ये फूल होते हैं, उसके बाद जब ये थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें से सीड्स बनते हैं। शायद दो सीड्स इनमें से निकलते हैं, शायद इसमें एक ही होगा ये जो छोटा वाला है। तो इसको अच्छी एयर नहीं मिलती है इसलिए ये अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है। तो अभी मैं इसको सोच रही हूँ इसको भी अच्छे से दूसरे पॉट में रिपॉट कर दूँ। तो इनके नीचे लगा हुआ है तो अच्छे से इसको हवा नहीं मिल पाती है। तो प्लांट जैसा मर्जी हो, कैक्टस हो, सकुलेंट हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, तो फुल सनलाइट वाला हो, उनको हवा मिलनी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा इनको लाइट की ज़रूरत है उससे भी काफ़ी गुना ज़्यादा इनको जो हवा है, खुली हवा, ओपन एयर, वो मिलनी बहुत ज़रूरी है। इसी से प्लांट जो है हमारे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। जिस तरह से हमें बंद कमरे में सारा दिन घुटन घुटन सी महसूस होती है, हमें भी पूरे दिन में एक दो बार, कब कितनी बार हम चाहते हैं कि खुली हवा में जाएं, तो उसी तरह से ये वाले प्लांट जो होते हैं इनमें भी जान होती है। तो इस तरह से इनकी भी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इनको घुटन जब लगने लगती है तो ये धीरे धीरे जो है छोड़ देते हैं, मतलब कि ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं या इनका जो ग्रेस है पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इंसान तो उठ के बाहर चला जाता है लेकिन पौधे जो होते हैं अपने आप चल फिर नहीं सकते, इनको हम इनकी केयर जो है हमें ही करनी पड़ती है। तो आज मैं देखती हूँ ये पॉट जो है खाली करके। तो जो मैंने पहले वीडियो की क्लिप शेयर की है वो परसों की है। तो देखिए मैंने जो प्लांट्स निकाल के शिफ्ट किए हैं ऊपर टेरेस पे, इस तरह से हैं कुछ, तो ये जो है सब कुछ वेस्ट ही है। इसमें मिट्टी डाल के मैंने बस इनको रिपोर्ट कर दिया है, परसों की है ये रिपोर्टिंग की हुई, तो अच्छे खासे चल पड़े हैं और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं। पॉट में इतना नहीं पता चल रहा था लेकिन जैसे ही मैंने इनको ऊपर शिफ्ट किया तो थोड़ा सा पता चला। यहाँ पर इनको ताज़ी हवा, खुली हवा मिलेगी, नीचे भी अच्छा था लेकिन ऊपर जो है थोड़ी खुली हवा मिलेगी तो और ये ज़्यादा फैल जाएंगे। और अभी जो नीचे बेस है इनका वो भी काफ़ी खुला है, मिट्टी खुली है। और यहाँ पर देखिए मैंने ग्लैडुलस के जो सीड्स हैं वो ग्रो किए थे, तो चारों के चारों सीड्स ग्रो हो गए हैं। तो ऐसे लाइन में मैंने लगा दिए थे तो कुछ दिन बाद मैंने देखा कि इसमें से सीड्स जो हैं ग्रो हो चुके हैं। तो इनको हम बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे पास इनके बल्ब जो है वो भी मैंने रख लिए हैं निकाल के। तो ये कुछ ही दिन पहले मैंने निकाले थे, जब मैंने जब मैंने कोलियस लगाना था परसों तभी मैंने इनको निकाल दिया था। नीचे छोटे छोटे से इनके बल्ब बने हुए थे, अगर मुझे आइडिया होता कि बल्ब बन रहे हैं तो मैं इनको अभी नहीं निकालती। तो वैसे ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही हैं, इनमें फ्लावरिंग एक ही बार हुई है, एक ही बार शायद होती है और उसके बाद नहीं हुई है। तो मैं बल्ब स्टोर करने के लिए या बनाने के लिए ही इनको अभी नहीं निकाल रही थी, तो मुझे पॉट चाहिए था तो फिर मैंने निकाल दिया क्योंकि सीड्स भी इनके ग्रो हो जाते हैं और मैंने लगा दिए थे तो वो जितने मुझे प्लांट चाहिए उतने तो ग्रो हो ही चुके हैं। तो सीड्स अभी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं इनके,
तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, इनको फिर पॉट भी उतने ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा ग्रो नहीं किए। तो चार काफ़ी हैं, तो ये वाले जो बल्ब हैं इनके, ये भी स्टोर करके रखे जा सकते हैं। और यहाँ पर ये एक और कोलियस से इसकी देखिए फ्लावरिंग हो रही है, तो इसकी मैंने पिंचिंग नहीं की है, तो मैंने इसको अलग ही रखा है कि चलो इसके फूल भी देखते हैं, क्योंकि फूल भी आए हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो कल शायद मैंने जो वीडियो शेयर की थी कोलियस की, या परसों जो नर्सरी में मैंने देखे थे, तो वहाँ पर वो पिंचिंग इनकी नहीं करते हैं, तो फूल आए हुए भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ नीचे जो है पीछे की तरफ बैल्कनी है छोटी सी, इसमें हमारे ये सारे इतने कोलियस ही लगे हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो कल ही यहाँ पर मैंने फिर से रीसेटिंग की थी जब मैंने कोलियस निकाले हैं परसों यहाँ से, तो अब मैंने सोचा है कि इस साइड पे सारे कोलियस मैंने कोलियस ही रख देने हैं, और क्योंकि कोलियस जो है इनको खुली हवा चाहिए और थोड़ी सी सनलाइट भी अच्छी लगती है इनको, और सारे एक साइड पे हो जाएंगे। ऐसे भी ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेगी हो जाते हैं, तो इनको इस साइड एक साइड पे रही सही है रखना। तो चलिए अभी देखते हैं जो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोलियस की कटिंग जो है नर्सरी से लेकर आई थी, तो ये मैंने कल ही इनमें ग्रो की है, वैसे ये पहले भी ग्रो की थी, और कुछ जो है ड्राई हो रही है ये वाली। ये काफ़ी डिफरेंट सी वैरायटी है, इसका जो बीच में काफ़ी सारे शेड्स हैं, देखने में काफ़ी ब्राइट। और इसकी मैंने जो कटिंग है कल इसमें शिफ्ट की है, कि ये है और एक ये है, तो अभी मुझे पता भी नहीं है कहाँ कहाँ पे मैंने लगा दी है, 5-6 कटिंग थी शायद। तो एक ये मैं कहीं यहाँ पे जैसे BSF का कैंपस है, वैसे ही असम राइफल्स का एक कैंपस है, वहाँ गेट मेन गेट पे काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रही हूँ, तो कभी मुझे मौका नहीं मिला। तो परसों हम गए थे उधर, तो मैंने हस्बैंड को पूछा था कि मैं एक कटिंग ले लूँ, तो क्योंकि वो गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि तुम कहीं भी शुरू हो जाती हो, तो फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, वैसे कहते हैं हाँ ले लो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने इसकी कटिंग निकाली थी, तो एक बिना रूट की निकली, तो शायद ये हो जाएगी, बट फिर मैंने कि क्या पता ना हो, तो इसीलिए फिर मैंने दूसरी कटिंग ली। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके जो प्लांट्स हैं ऐसे लगे हुए हैं क्यारी में, इनको इस पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो ये तीन पॉट मैंने जो है परसों खाली किए हैं, तो एक में कोलियस ये वाला लगा दिया है, इनमें ये लगा दूंगी, और एक में मैं सोच रही हूँ ये वाला जो कोलियस है ये डिफरेंट है, जो मैंने मुझे लगा था कि मेरे पास है, ये कटिंग में फेंकने लगी थी जब मैंने इसको देखा था, तो मुझे लगा था कि वैसे ही है ये दूसरी वाली, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ये ग्रो हुई तो इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो बीच में इसके पिंक शेड भी है, शायद जैसे पुराना पत्ता हो जाता है फिर इसमें पिंक लाइनिंग आती है, और इसको धूप जो है बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जिस लोकेशन में मैंने इसको रखा हुआ है बिल्कुल डार्क है, फिर भी इसके जो कलर हैं काफ़ी ब्राइट हैं, काफ़ी मतलब कि डार्क हैं, और इनमें भी फूल जो है निकल रहे हैं, तो मैंने पिंच नहीं किया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े टाइम बाद पिंच करेंगे, अभी फूल को भी निकलने देते हैं, तो क्योंकि नेचर जो है जो चीज़ बनाती है बहुत सोच समझ के बनाती है, तो शायद उसके बेनिफिट्स भी होंगे प्लांट को। तो इसके भी मैं सोच रही हूँ आज एक कटिंग लगा दूँ, क्योंकि डिफरेंट प्लांट है और इनका कोई भरोसा नहीं होता कब ख़त्म हो जाए, तो एक छोटे से ये पॉट में लगे हुए हैं, और नीचे इसके जो ये जो कटिंग मैंने लगाई थी इसमें देखिए वेरिएशन थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो रही है, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं मिलती है, और इसको मैं पानी भी काफ़ी कम देती हूँ, ज़्यादातर ये ड्राई ही रहता है। तो आज मुझे इसमें वाटरिंग भी करनी है, तो शायद मैंने परसों इसमें वाटरिंग की थी, तो छोटा प्लांटर है इसीलिए जल्दी मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो अभी मैं इसकी कटिंग लगा देती हूँ, और एक ये वाला जो कोलियस है ये भी मैंने दिखाया था जब मैं लेकर आई थी, तो ये बिल्कुल पिंक था, तो अभी ये बिल्कुल स्टैंड में पड़ा हुआ है, जो बैम्बू का मेरा स्टैंड है शेड में है, कुछ भी वहाँ पे इस जगह पे वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा रहता है, इस वजह से इसके जो कलर हैं बिल्कुल चेंज हो गए हैं, तो अभी मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया है, ताकि कलर इसके जो हैं काफ़ी डार्क आए, जो कि इसके एक्चुअल कलर हैं। तो एक ये है, इसकी भी आज मैंने पिंचिंग करनी थी, ये काफ़ी टाइम से है ये, और इसकी जो कटिंग है चल पड़ी है, मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे इसको लगाए हुए, और आज मैं इसकी कटिंग भी लगा दूंगी।
तो एक ये पॉट है जिसमें मैंने ना ये कटिंग लगाई थी, दो कटिंग शायद एक में लगा दी थी, दोनों ही जेड थे क्रेसुला जो बड़ी पत्ती वाले होते हैं। और इनको देखिए, एक तो पूरी कटिंग जो है गल गई तो मैंने अभी देखा। तो ये इस पॉट में मैंने जितने भी प्लांट्स लगाए हैं मोस्टली ख़राब ही हुए हैं। तो अभी मुझे पता चल गया कि इस पॉट की जो मिट्टी है वही ठीक नहीं है, क्योंकि इसके जैसा एक और पॉट है उसमें भी मैंने लगाए हुए हैं लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें मैं जब भी कोई प्लांट लगाती हूँ तो हमेशा ख़राब होता है। तो ये दोनों ही कटिंग जो है गलनी शुरू हो गई, दूसरी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये मैंने देख ली तो इसको मैंने दूसरे में अभी शिफ्ट कर दिया है। तो अभी इसकी मिट्टी चेंज करके ही मैं इसमें कोई दूसरा जो प्लांट है वो लगाऊंगी। वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।